ट्वीट करना है तो हैशटैग CCL4 पर जरूर अपना ट्वीट हमें भेजें। एज्ड ओवर पॉइंट और रिकॉर्ड चौका। भोजपुरी दबंग के जो रन रेट है काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई और वीर मराठी का जो कैंप है और डिप्रेस होते हुए, लेकिन अब भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। अगर एक दो विकेट निकल गए तो स्कोरिंग रेट में बहुत फर्क पड़ सकता है। रमन भनोट ने एक छोटा सा ब्रेक लिया और उनकी जगह पर है मेरे खास दोस्त निखिल चोपड़ा। निखिल, बढ़िया एटमॉस्फेयर, कितना बेहतरीन मैच था शुरुआत में जो पहला मैच था, और ये मैच भी लगता है कि अगर 170 के आसपास पहुंच गया तो बहुत रोमांचक हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा चारू, जिस तरीके से बैटिंग हो रही है और जिस रफ्तार से रन बन रहे हैं, 170 के करीब का अगर मैच हो गया तो बहुत ही रोमांचक मैच होगा। और देखा, क्योंकि जिस तरीके से चेन्नई ने 164 रन काफ़ी आसानी से चेज़ के लिए दिए, एक समय ऐसा लगा थोड़ा मुश्किल आएगी लेकिन उसके बाद चेज़ करेगा। शॉर्ट पिच गेंद पुल करना चाहते थे लेकिन टॉप एज लग के हेलमेट की ग्रिल पे लगा। 10 ओवर में 92 एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य जरूर होगा वीर मराठी की टीम को। जी हाँ, अगर वो चेन्नई राइनोज ने तो बना लिए 165, लेकिन 160 तक बनाना, चेस करना और रात में आसान नहीं होगा। उदय तिवारी ने बड़ी तेजी से अपने 24 रन बनाए केवल 12 गेंदों में, और प्रवेश यादव जो शुरू शुरू में आए थे वैसे उनकी स्कोरिंग रेट हल्की हुई है, 27 रन 26 गेंदों में। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाफ वे स्टेज पर करीब करीब 90 रन बना लिए थे भोजपुरी डबंग्स ने, तो अगर ज्यादा विकेट लूज ना करें 180 उनके रीच में जरूर है। जोरदार स्ट्रोक यहां पे और बेहतरीन टाइमिंग, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। अब प्रवेश यादव भी अपने कंधे खोलते हुए और जोरदार प्रहार। आसान शॉट नहीं है, थोड़ी सी बाहर जा रही थी गेंद और उसी को फॉलो करके फुल स्विंग ऑफ द बैट और वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर चक्का मारना आसान शॉट नहीं है, बहुत शॉट प्रवेश का। एक ऐसा स्ट्रोक है, हल्की सी टाइमिंग में चूक हो जाए तो लॉन्ग ऑफ के हाथ में सीधा गेंद जा सकती है, लेकिन इस बार हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद, रन लेना चाहते थे लेकिन ठीक समय पे ठीक निर्णय लिया। उदय तिवारी ने वापस भेजा प्रवेश को, शायद कप्तान है पॉइंट पर फील्ड करते हुए। अच्छी फील्डिंग, गुड थ्रो बैक टू द कीपर, और कम से कम उनकी फील्डिंग वजह से जनीला के फेस पर कुछ स्माइल तो आई। मेरे ख्याल में मुस्कान थोड़ी सी और बड़ी होगी अगर एक विकेट मिल जाए तो। एक बार और जोरदार प्रहार और बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, कोई मौका नहीं लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी पे खड़े हुए और 6 रन उसी छक्के के साथ उनके 100 रन भी पूरे हुए भोजपुरी दबंग्स के 104 2 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर के बाद।